आप सभी का मेरे चैनल में मटर और हरी मिर्च की अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है इसको बनाना, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हो मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबा दीजिए, जिससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा, नए वीडियोस जो भी मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोभी मटर और हरे मटर और हरी मिर्च के अचार को बना। आलू गोभी मटर के अचार के लिए ये देखिए, थोड़ा सा मैंने मटर लिया है, अच्छे से इसको धुल लिया है, इतनी सारी मिर्चियां ली हैं इसको भी धुल लिया है, और इस तरह से गोभी को धुल करके साफ करके कट कर लिया है। देख लीजिएगा कोई कीड़ा उड़ा ना रहे, वैसे इस सीजन में, ठंडी सीजन में कीड़े नहीं रहते गोभी में, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके उसको धुल करके इस तरह से टुकड़ों में कर लीजिए। अब चाहे तो आप इसको कपड़े से पोंछ लीजिए और थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए अगर आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो, और अगर धूप आता है तो आधे घंटे 20-25 मिनट के लिए इसको धूप में रख दीजिए, जिससे ये अच्छे से इसका पानी जो है सूख जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको अभी धूप में रखने जा रही हूँ, इसको धूप में रख देती हूँ और आपको दिखाती हूँ सूखने के बाद। ये देखिए अच्छे से सूख चुका है। अब एक बाउल लेंगे और बाउल में मटर, मिर्ची, गोभी सब कुछ डाल देंगे। मिर्ची को इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस करके। एक मिर्ची में दो पार्ट किया है मैंने और बीच में से कट किया है। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्का सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के इनको मिक्स करेंगे। अब इसको भून लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में सरसों का तेल लिया है, 2 बड़े चम्मच। तेल को गर्म होने देंगे और फिर इसमें ये सारी चीजें डाल देंगे। आप चाहो तो अलग से गोभी को और अलग से मिर्ची मटर सब अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो, या फिर एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। मैं पहले इसमें गोभी डालूंगी। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। पहले मैंने गोभी डाला है, गोभी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें मटर और मिर्ची को भी ऐड कर देंगे। बिना फ्राई किए भी आप बना सकते हो, सिर्फ ऐसे ही इसको रख दीजिए, थोड़ा सा उसमें से पानी निकलने लगेगा। फिर इसको धूप में डाल दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। लेकिन अगर इस तरह से आप अचार बनाओगे, बिल्कुल ही अलग तरीके से मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बिना फ्राई किए, तो आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगी अचार बनाने के लिए, जिसमें कि कच्चे अचार को ही नमक डाल के, हल्दी डाल के, थोड़ा सा उसमें से पानी निकल जाता है 10-15 मिनट में, तो फिर उसको धूप में डाल देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप करोगे तो भी ये इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ही यूनिक तरीका है ये। अब इसमें 2 मिनट बाद इसमें मटर और मिर्ची को भी ऐड कर देंगे, सबको साथ में ही फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसको ढकेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, इसको पकने देंगे थोड़ा सा, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सारी मिर्ची मटर और गोभी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इसको हल्का सा ढक ढक के इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसको स्टीम से भी कर सकते हो। नीचे किसी बर्तन में कढ़ाई में पानी रख दीजिए और उसके ऊपर इसको रख दीजिए किसी बर्तन में, ये स्टीम से पक जाएगा। इस तरह से हल्का इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे देखिए गोभी मिर्ची मटर सब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको धूप में रख देंगे 4 से 5 घंटे 6 घंटे के लिए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो आप किसी भी कपड़े पे इसको डाल करके पंखे के नीचे रख सकते हो, या पूरी रात के लिए रख दीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ये अच्छे से सूख जाना चाहिए। ये देखिए इसका जो मॉइस्चर है ये पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। चलिए अब इसको धूप में रख देते हैं। ये देखिए 5-6 घंटे अच्छे से धूप लगाया मैंने इसको। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप फैन के नीचे इसको रख दीजिए। इसका मॉइस्चर था अच्छे से, देखिए आप ये पूरी तरह से सूख चुका है।
फ्राई करने से ये हल्का सा नरम भी हो चुका है, गोभी मटर और मिर्ची। चलिए अब इसका मसाला रेडी। मसाले के लिए यहाँ पे तीन चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मेथी दाना, 1/2 चम्मच मंगरेल, 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब भूज लेंगे इन सबको, मसालों को एक साथ हल्का सा भूजेंगे, बहुत ज्यादा इसे हमें रेट नहीं करना है। भूजने के बाद इसे ठंडा करेंगे और फिर पीस लेंगे। ये देखिए मसाले से अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद इन सबको पीस लेंगे। ये देखिए मसाला पीस लिया मैंने, अब चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में इसको इस तरह से ले लीजिए, या फिर बाउल में, या कोई भी बड़ा बर्तन जिसमें कि आप इसको अच्छे से मिक्स कर सको। अब इसमें जो मसाला पीसा है वो डालूंगी। लाल मिर्च तीखी वाली है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। 1 चम्मच के लगभग डाला है मैंने। 1 बड़ा चम्मच आमचूर का पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कि तीखा नहीं होता है इससे सिर्फ कलर आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिएगा, पहले भी नमक डाला हुआ है तो थोड़ा ही डालिएगा। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सिरका, इसको विनेगर कहते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अचार खराब नहीं होगा। सरसों का तेल डालेंगे। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अगर नमक आपको थोड़ा सा कम लगता है तो आप नमक भी डाल सकते हो ऊपर से। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मटर मिर्ची का अचार देखिए रेडी है। अच्छे से तेल डालिएगा सरसों का तेल, तो आप ऐसे ही धूप में रख सकते हो ढक करके, या फिर एक जार में इसको ले लीजिए और ऊपर से कपड़े लगा करके इसको धूप में रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी जार जो है आपका सूखा हुआ हो सके तो 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, जिससे बिल्कुल भी उसमें पानी वगैरह कुछ ना लगा हो, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। अब इसको आप चाहो तो इसी तरह से ऊपर से कपड़ा डाल के ढक करके रख सकते हो रात भर के लिए, नहीं तो जार में करके उसको, उसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे सूती कपड़ा लगाते हैं, और लगा करके धूप में रख दीजिए। कम से कम 4 से 5 दिन उसको अच्छे से धूप दिखाइए, 3-4 घंटे डेली। तो चलिए पहले इसको मैं जार में रख लेती हूँ। इस तरह का एक जार लेंगे, अच्छे से जार को धो करके पोंछ करके धूप में रख दीजिए 1/2-1 घंटे के लिए। फिर इसमें अचार को इस तरह से डाल दीजिए जैसे मैंने डाला है। अब इसके ऊपर आप चाहो तो एक कपड़ा लगा दो, कोई भी एक कपड़ा इस तरह से लगा दो पतला सा, और उसको बांध करके धूप में रख दीजिए। नहीं तो आप इसके ऊपर ढक्कन लगा करके ढक्कन को थोड़ा सा ऐसे खोल करके आप धूप में रख सकते हैं इस तरह से हल्का सा। नहीं तो अगर ढक्कन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ढक्कन को हटा करके इसके ऊपर एक कपड़ा लगाइए पतला सा, कोई भी कॉटन का कपड़ा या जो भी हो आपके पास, लगा करके उसको बांध दीजिए और इसको कम से कम 1 हफ्ते के लिए 4 से 5 घंटे पूरा धूप में रखने दीजिएगा। मैंने इसको धूप में रखा है 4 से 5 घंटे, अब डेली मैं इसको धूप में रखूंगी। मैंने कपड़ा हटा दिया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। आप जब रखिएगा तो इसके ऊपर एक सूती कपड़ा बांध करके रख दीजिएगा धूप में 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे कि कोई गंदगी जो है धूल मिट्टी भी हमारे अचार में नहीं पड़ेगी और हमारे अचार में धूप भी लग जाएगा। ये देखिए मैंने 5 घंटे रखे थे इसको और कपड़े को हटाया है अभी दिखाने के लिए आप लोगों को। चलिए अभी इसको मैं कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रेडी है हमारा गोभी हरी मटर और हरे मिर्च का अचार। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। अगर आपको थोड़ा सा इसको कलर देना है तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए। मैंने सिर्फ तीखी वाली जो लाल मिर्च आती है उसको 1/2 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये देखिए बस ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा सिरका डालना मत भूलिएगा,
और जिस भी बर्तन में इसको रखिएगा उस बर्तन को अच्छे से धो के पोंछ के और धूप में रखने के बाद ही रखिएगा कि बिल्कुल पानी न लगा हो। जो भी चीजें आप इसमें यूज करोगे, चम्मच का या कटोरी का, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उस पर पानी नहीं लगा होना चाहिए और डेली इसे 4 से 5 घंटे धूप में रख लीजिएगा। जिस पे जार में आपने इसको रखा है उस जार पे एक कपड़ा बांध दीजिए हल्का सा ऊपर से और 4 से 5 घंटे के लिए इसको धूप में रख दीजिए। कम से कम 1 हफ्ते इस तरह से आपको करना है, धूप में रखना है डेली। आई होप आपको ये अचार की रेसिपी जो है पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है, ऐसी रेसिपीज और सारी देखनी है तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटा आता है उसको दबा दीजिए जिससे मेरे नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।